चलो। हेलो, अरे क्या हुआ? बस जल्दी चलो। आज छोड़ोगी तो चलूंगा ना। मुझे एक जगह और पता है, हम लोग अक्सर जाया करते थे वहां पर। मेरे हस्बैंड ले जाते थे हम लोग सबको। ननी को वो जगह बहुत पसंद है। जल्दी करो, चलो अहिल्या देवी बाग चलो। अब क्या हुआ? पापा जी कभी कॉल क्यों करूं? भाई एक बात बताओ, आज दारू पीने का मजा आ गया यार। हम रोज एक बच्चे को ऐसे ही उठाएंगे और ऐसे ही ऐश करेंगे। निकल पड़े, निकल पड़े। बच्चे चुराने हो या दारू पीनी, अपनी बराबरी कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। आज मैंने दो बाटली पी ली, लेकिन मुझे चढ़ क्यों नहीं रही है? तू बता सकता है? कैसे चढ़ेगी? क्या हुआ? हवा ठंडी है, तुम ये जैकेट ले लो।
नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जरा जल्दी चलो प्लीज। शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचने का। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, सुनो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज मेन रोड से ले लो, कहीं घूम घूम गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हें वहां पहुंचने की जल्दी है या नहीं? है, पर ऐसे सुनसान और डरावने रास्ते से नहीं। तुम जहां मुझे लेकर जा रही हो ना, वहां मैं 100 बार जा चुका हूँ और वहां तक पहुंचने के मुझे 10 रास्ते पता। ये सबसे छोटा वाला रास्ता है और यहाँ के हर गड्ढे, हर खेत, हर कुत्ते, हर चोर, हर डाकू, हर भूत और हर मच्छर को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। और वैसे भी मुझे कोई भी चीज आधी अधूरी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो फिर पूरा करो, वरना मत करो। अब जल्दी पहुंचना है या भाई घुमा लो? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे खून निकल रहा है, तुम कह रही हो ठीक हूँ? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, अब चलो जल्दी। हाँ, तेवर तो नहीं बदले, मतलब ठीक ही होगी। दूर तक आए हैं, अच्छे से देखा भी नहीं और ऐसे चल दे। नन्नी यहाँ नहीं है, मुझे कहीं और ढूंढ दो प्लीज। नन्नी अरे कहाँ जा रहे हो? नन्नी
नानी मोहन मोहन मैंने कहा ना वो यहाँ पे नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो कहीं और देखते हैं। लेकिन कहाँ था नानी, नानी स्पाइडरमैन, तुम फिर मेरी हेल्प करने आ गए? नन्नी, मम्मी, मम्मी, नन्नी, नन्नी तुझे पता भी है तूने किया क्या है? तेरे दादाजी तनु भैया कितना परेशान है सुबह से, हर जगह ढूंढा कहीं नहीं मिली, और तू कहती है कि तू इससे तो अच्छा होता कोई इसे किडनैप कर लेता, इसके हाथ पांव काट के भीख मंगवाता। कैसी बातें कर रहे हो? मैं कैसी बात कर रहा हूँ? पिछले 5 घंटों से तुम पागलों की तरह ढूंढ रही हो इसे, इसी लड़की को, रोई भगवान के आगे भीख मांगी, पता नहीं क्या क्या किया, और अब जब मिली है तब चालू हो गई अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालने। अरे अभी अभी मिली है, कम से कम थोड़ी देर तो इसके मिलने की खुशी बना लो। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे मेरी बेटी से कैसे बात करनी है, तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है मुझे, समझे? तुम होते कौन हो? हाँ सामान मत। किसका? अबे तेरा और मेरा, और किसका? नहीं रहना मुझे इस मोहल्ले में। क्यों? एक तो मदद करो, ऊपर से भाषण सुनो, यहाँ की चै चै पक 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 गया हूं मैं यहाँ पे। बदतमीज लोग रहते हैं।
टिकट टिकट। मैडम जी और 10 रुपए लगेंगे। क्या हुआ चाची? कुछ नहीं, वो 10 रुपए खुले दे रहे हैं। है ना मेरे पास, ये ले चल। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तेरे को, कहाँ मिली है? मुझे पता है तूने और पापा जी ने इसे खूब ढूंढा है। देखा नानी, मैंने कहा था ना सब तेरे लिए कितना परेशान होंगे। ये क्या बात करी है चाची, मैं नहीं होता परेशान परेशान। मुझे पता था ना कि मिल जाएगी, इसीलिए। इसे कहाँ मिली है? पिकनिक स्पॉट पे। पिकनिक स्पॉट पे, इतनी दूर। तनु ये महक कैसी है? महक कैसी? महक हाँ कैसी महक? हाँ चाची मुझे भी आ रही है, लगता है किसी ने धुआं किया मच्छर भगाने के लिए। हाँ कितने मच्छर हैं यहाँ। सरोज, अरे कहाँ है भाई? तुझे पता भी है तूने किया क्या है? तेरे दादाजी तनु भैया कितना परेशान है सुबह से, हर जगह ढूंढा कहीं नहीं मिली, और तू कहती है कि तू इसने तो अच्छा होता कोई इसे किडनैप कर लेता। कैसी बातें कर रहे हो? पिछले 5 घंटों से तुम पागलों की तरह ढूंढ रही हो इसे, और अब जब मिली है तब चालू हो गई अपना सारा फ्रस्ट्रेशन इस पे निकालने। अरे अभी अभी मिली, कम से कम थोड़ी देर तो इसके मिलने की खुशी मना लो। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे मेरी बेटी से कैसे बात करनी है। तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है मुझे, तुम होते कौन हो? हाँ अरे हाँ, वो उसका फोन आया था, वो कह रही थी कि कुछ अर्जेंट बात करनी। देखा अभी 1 घंटा नहीं हुआ इतनी बदतमीजी से बात किए हुए, अब फोन करके माफी मांगने लगे। 1 घंटा पहले आपके साथ थी लड़के, मुझे तो कह रही थी कि कुछ जरूरी बात करनी है। वो आपके मोबाइल पे भी फोन लगा रही थी, वो क्या कहते हैं उसको, वो आउट ऑफ नेटवर्क। हाँ वही 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 लग रहा था। आज भी फिर से रम पी के टाइट होगी, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। रम पी के टाइट फिर से, मतलब तूने उसे पहले भी पिए हुए देखा? और नहीं तो क्या। क्या बात कर रहा है बे, वो उस टाइप की तो नहीं लगती। जब से मैंने देखा है वो उसी टाइप की लगती है। अच्छा एक मिनट, तू किसकी बात कर रहा है? वही जो उस दिन आपके साथ आई थी, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी ठीक से। कोयल? और नहीं तो क्या। कोयल का फोन आया था तो आप क्या समझ रहे थे? वही जो तू समझा। कोई नंबर छोड़ा उसे? नहीं मैंने मांगा भी तो कहने लगी कि वापस फोन करेगी। तू नहीं जानता तूने आज मुझे कितनी अच्छी खबर दी। यस यस यस, मैंने आज उसे मिलने से मना किया था, मुझे लगा था मेरे हाथ से निकल जाएगी, लेकिन मिल गई। भैया जी एक बात कहें, मतलब जितना मैं आपको जानता हूँ, मम्मी जी पिताजी को जानता हूँ, वो अपन के फैमिली में सही नहीं बैठेगी, मतलब भाभी बनाने के लायक नहीं है ना जी। अबे ढक्कन, भाभी कौन बना रहा उसे, और वो वैसे भी मेरी नहीं, वो दीनानाथ की सेटिंग है। दीनानाथ जी की? वो बड़े बिल्डर? अबे हाँ वही बिल्डर, उसी की आइटम है। ना 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 कैसी बातें कर रहे हो, दीनानाथ जी अरे उसके पिताजी की उम्र के रहेंगे वो। ना वो बहुत ही नेक आदमी है, वो मैं जिस मंदिर में जाता हूँ वो उन्हीं के चंदे से तो खड़ा हुआ है। ना दीनानाथ जी ऐसे नहीं हो सकते। तेरे साथ साथ सारा इंदौर भी यही सोचता। फिर अबे ढूंढने निकलेगा ना तब भी इतना करप्ट आदमी कहीं नहीं मिलेगा। हाँ ये जो कोयल है ना भगाती बहुत, अगर एक बार ये मुझे दीनानाथ के खिलाफ उसके सारे काले धंधों के सबूत लाके दे दे फिर देखना गुरु।
मेरी लाइफ बदल जाएगी, करियर बन जाएगा मेरा। तो पैक पैक करूं? सुनना, जगह भी बना। लेकिन बना दी। यार मोहन, आधी रात को बीच सड़क में अकेले छोड़ दिया उन दोनों को, फिर गलती, सॉरी बोलना चाहिए। और नॉनसेंस, गलती कैसे? सॉरी और थैंक यू तो उस मिर्ची मैडम को बोलना चाहिए मुझे। देरे ना, देरे ना, देरे ना।